वेलकम टू द्विवेदी अकेडमी। आप सभी लोगों का द्विवेदी अकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। तो अब हम पढ़ेंगे थैलोफाइटा के बारे में। आखिर ये थैलोफाइटा क्या होता है, जैसा आप लोगों को बता दें, थैलोफाइटा एक टाइप है किसका, प्लांट जो हमने पढ़ाए थे किंगडम प्लांटी का ही एक टाइप है ये, कौन, थैलोफाइटा। तो इसके बारे में हम जानेंगे। तो थैलोफाइटा मतलब एल्गी, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है, इन दीज प्लांट्स, जो आपका थैलोफाइटा है ना, इस प्लांट में क्या होता है, इन दीज प्लांट्स द बॉडी इज नॉट द वेल डिफ्रेंशिएटेड, इसकी बॉडी अच्छी तरीके से अलग अलग पार्ट में विभाजित नहीं होती है। कहने का मतलब है वेल डिफ्रेंशिएटेड नहीं होती है। वेल डिफ्रेंशिएटेड का मतलब होता है अलग अलग पार्ट नहीं होते, जैसे कि अब प्लांट की बॉडी की, अभी जो हम जो मैक्रोस्कोपिक जो प्लांट है, मैक्रोस्कोपिक का मतलब होगा बड़े बड़े जो प्लांट है उनकी बॉडी में देखो रूट्स होता है, लीव्स होता है, कई सारे पार्ट्स होते हैं और स्टेम भी होता है, फ्लावर होते हैं। लेकिन जो आपके थैलोफाइटा होते हैं इनकी बॉडी इस तरीके से डिफरेंशिएटेड नहीं होती है, विभेदित नहीं होती, विभाजित नहीं होती है। एग्जाम्पल, इट इज नॉट द डिवाइडेड इंटू द स्टेम रूट एंड द लीफ, जैसे कि मैंने बताया कि ये डिवाइडेड नहीं होती है इंटू स्टेम रूट एंड द लीफ में, सच एन अनडिफरेंशिएटेड, अविभेदित, अनडिफरेंशिएटेड जिसके विभेद ना हो। तो सच एन अनडिफरेंशिएटेड बॉडी, BODY यहां लिख देना, BODY बॉडी इज कॉल्ड थैलस। तो इस तरह की बॉडी को हम लोग थैलस कह देते हैं। थैलस का भी मतलब ये होता है नॉट डिफरेंशिएटेड बॉडी ऑफ द एनी प्लांट नॉन एज द थैलस। तो यहां पर ये कह रहा है कि जिसकी बॉडी प्लांट रूट स्टेम में नहीं बटी होती है उसका दूसरा नाम थैलस भी दे देते हैं, ठीक है। तो ब्रायो जो थैलोफाइटा होता है, थैलोफाइटा की बॉडी इसी तरीके से होती है कि उसकी बॉडी में डिफरेंशिएशन नहीं होता, इसलिए इसको क्या कहते हैं, थैलस कह देते हैं। द थैलस मे इन द फॉर्म ऑफ द टिश्यू, ये एक टिश्यू के मास के रूप में हो सकता है। मान लो बहुत सारे टिश्यू इकट्ठे हो गए तो उन्होंने एक कोई इस तरह का मास बना दिया ऐसा, ठीक है, और ऐसा चट्टान जैसा, रॉक जैसा कुछ भी बना लिया, मतलब एक चपाती की तरह बन गए एकदम से, पर उसमें कोई भी पत्ती वगैरह तुम देखने को नहीं मिलेगी। तो थैलस जो होता है एक मास की तरह होता है, अथवा और द फाइबर की तरह, थ्रेड जैसा भी हो सकता है, या फिर एक धागा जैसा बन गया थैलस, ठीक है, इस तरीके से। तो इस तरीके से देखा जाए हमारा ये थैलोफाइटा की बॉडी के बारे में हमने दिया ये डिस्क्रिप्शन था, ठीक है। एलियर पहले के समय में दिस ग्रुप कंटेनेड द एल्गी, फंगी, लाइकेन, ये सब इसके अंदर शामिल थे, एटीसी और भी कई सारी चीजें थी। पहले की जब बात करें, पहले ग्रुपों की बात करें, तो एलियर पहले दिस ग्रुप कंटेनेड द एल्गी फंगी लाइकेन से मौजूद थे, लेकिन बट अकॉर्डिंग टू द फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन और अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो थैलोफाइटा कंटेन ओनली एल्गी, लेकिन अभी ये सिर्फ एल्गी अपने अंदर कंटेन करके रखता है, क्या रखता है, एल्गी। तो अब कह रहा है जनरल करेक्टर्स की बात करें, तो आखिर इसके जो जनरल करेक्टर्स होते हैं वो थैलोफाइटा के क्या होते हैं, तो सबसे पहले क्या होता है, एक्विटिक और सेमी एक्विटिक, ये एक्विटिक होते हैं और सेमी एक्विटिक होते हैं, ठीक है। एक्विटिक का मतलब होता है या तो पूरी तरह से पानी में रहते हैं, या फिर सेमी एक्विटिक का मतलब पानी में रहते हैं और कुछ हिस्सा इनका जमीन, कुछ मतलब जमीन पे भी जीवित रह सकते हैं, पानी के ऊपर भी जीवित रह सकते हैं। अच्छा, अनडिफ्रेंशिएटेड बॉडी का मतलब हो गया बॉडी विभाजित तो नहीं होती है, अलग अलग पार्टों में बटी हुई नहीं होती है। स्टेम लीव्स एंड द रूट आर एबसेंट, और इसमें स्टेम लीव और रूट जो है वो एबसेंट होते, उपस्थित नहीं होते। एल्गी आर ऑटोट्रॉफिक, ये ऑटोट्रॉफिक होते हैं, मतलब ये खाना खुद बना सकते हैं, और फोटोसिंथेटिक वेरियस टाइप ऑफ द, और इसमें फोटोसिंथेटिक भी होते हैं, मतलब ऑटोट्रॉफिक भी कह सकते हैं अथवा इनको फोटोसिंथेटिक कह सकते हैं। तो पहली बात तो यहाँ कंप्लीट हो जाती है। दूसरी बात यहाँ कोमला के मैंने स्टार्ट की है, वेरियस माने होता है विभिन्न टाइप ऑफ द फोटोसिंथेटिक पिगमेंट आर द प्रेजेंट, इनमें अलग अलग तरह के फोटोसिंथेटिक पिगमेंट इसमें पाए जाते हैं, किसके अंदर पाए जाते हैं, थैलोफाइटा के अंदर, ठीक है। बस्कुलर बंडल्स आर एब्सेंट, इसमें बस्कुलर जो बंडल्स होते हैं वो एब्सेंट होते हैं, ठीक है। तो अब ये था हमारा क्या, थैलोफाइटा के बारे में डिस्क्रिप्शन था। ये करैक्टरिस्टिक्स ही आपको याद करनी है, ये एग्जाम में भी आ सकती हैं और साथ में ये बड़ी क्लासेस के लिए बहुत जरूरी है आपको पूरी तरीके से थैलोफाइटा के बारे में जानना, क्योंकि आप लोग अगर बायो से कुछ आगे करना चाहोगे बड़ा कोर्स, तो इसमें इन बेसिक जानकारी को आपको जानना बहुत ही जरूरी होता है, ठीक है। तो फिलहाल अभी हमें और भी कुछ इसमें पॉइंट पढ़ने हैं, उससे पहले कुछ बड़े मीनिंग इसके देख लेते हैं। देखेंगे इसका डिफरेंशिएटेड का मतलब क्या होता है, डिफरेंशिएटेड का मतलब होता है विभेदित, विभेदित का मतलब होता है कई सारे भागों में बटी हुई, ठीक है। अच्छा, अब हम बात करते हैं एक्वेटिक, मतलब होता है पानी में रहने वाला, ठीक है। सेमी एक्वेटिक, अर्धजलीय, अर्धजलीय का मतलब जो पूरी तरह से पानी में नहीं रहते हैं उनको अर्धजलीय कहते हैं,
ठीक है। अब आता है पिजेंट, माने क्या होता है, सॉरी पिजेंट नहीं, पिगमेंट का मीनिंग यहां पर मैंने लिखा हुआ है, तो यहां से एरो लगा देता हूं। देखो ये पिगमेंट है आपका, यहां से एरो लगाएंगे और ये यहां तक ले जाएंगे, क्योंकि पिगमेंट पिगमेंट का मतलब होता है रंगीन द्रव्य। तो दरअसल क्या होता है कि जो क्लोरोफिल की वजह से इसके अंदर जो द्रव्य होता है वो हरे कलर का हो जाता है, तो इसलिए यहां पर मैंने लिखा हुआ है कि यहां पर फोटोसिंथेटिक में पिगमेंट आर द प्रेजेंट। तो पिगमेंट का मतलब इसी से है, आपका रंगीन द्रव्य यहां पर मौजूद होता है। बस्कुलर बंडल्स का मतलब होता है संवहनी बंडल। संवहनी बंडल का मतलब होता है इस तरह की, मतलब बेसल्स या फिर नलियां वगैरह जिनके अंदर से कंडक्शन होता है। कंडक्शन का मतलब जिसके अंदर से प्लांट का जो भी द्रव्य होता है वो बहता है, ठीक है। तो फिर बस्कुलर बंडल्स कह देते हैं, बस्कुलर बंडल टिश्यू भी होते हैं जिनके अंदर से नलियां होती हैं और जिसके अंदर से मटेरियल प्लांट का कंडक्शन करता है, बहता है। तो फिलहाल मैं बात कर रहा था अभी बर्ड मीनिंग्स के बारे में, तो ये थे आपके बर्ड मीनिंग, ठीक है। अभी इसके अंदर कुछ दो पॉइंट या तीन पॉइंट और हैं, उनको और हम पढ़ेंगे, उसके बाद ये टॉपिक हमारा खत्म हो जाएगा। एक पॉइंट बचा हुआ और एक एग्जांपल इसी टॉपिक के बारे में, थैलोफाइटा के बारे में पढ़ने के लिए। तो सबसे पहले पॉइंट यहाँ पर ये है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन्स आर सिंपल। इसके अंदर रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन्स जो होते हैं बहुत ही साधारण होते हैं एंड अनकवर्ड होते हैं, ढके हुए नहीं होते, ठीक है। अनकवर्ड का मतलब होता है ढके नहीं होते। दूसरी बात एग्जाम्पल और देखेंगे, स्पायरोगायरा और उलोथ्रिक्स। स्पायरोगायरा उलोथ्रिक्स, उलोथ्रिक्स जो मैंने लिखा हुआ है वो इसी का प्रोनाउंसिएशन है, इस वाले का उलोथ्रिक्स, ठीक है। क्लेडोफरा, इसको पढ़ते हैं क्लेडोफरा, इसको जो नाम है क्लेडोफरा, ये एग्जांपल है इसके। और ये आपका बॉचेरिया है, ये आपका बॉल बॉक्स है यहाँ पर, ठीक है, इसे पढ़ते हैं बॉल बॉक्स। तो ये और इसका, इसे पढ़ते हैं क्लेमिडोमोनस, इसे क्या पढ़ते हैं क्लेमिडोमोनस। तो ये इसके एग्जाम्पल थे जो हमने यहाँ पर पढ़े, ठीक है। तो इसी के साथ ये टॉपिक आपको जो थैलोफाइटा है खत्म हो जाता है। आगे जो है टॉपिक आपको अभी पढ़ाएंगे अगली वीडियो में, ठीक है।